आज की क्लास में जो जो भी बताया गया है पिछले क्लास में, करेक्ट, हमने पिछले क्लास में कंपेयर किया था इटालियन यूनिफिकेशन और जर्मन यूनिफिकेशन, और बहुत ही ज़्यादा देखा था हमने उसके जो भी चीज़ था। यस, वी हैव फिनिश्ड। आज जानेंगे कि सिमिलरिटी इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन में सिमिलरिटी क्या क्या था। देखो, नेपोलियन का दोनों जगह रोल है, एंड इसी तरह देखेंगे आज जो लेबरिन का कितना बड़ा अलग चीज़ है वहाँ पे, ऐसा प्रेजेंट नहीं है इटली में, जो लेबरिन वाला चीज़ तो नहीं है। तो आज देखेंगे ब्रॉडर लेवल पे, आज देखेंगे बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी, बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी में क्या रहा, और बिस्मार्क ने अपने कंट्री को कितना ऊपर कर दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ा उसको। बात समझ रहे हो ना, ये सभी चीज़ आज जानेंगे। देख लो वहाँ पे, ये समझ में आ जाएगा। देखो, रोल ऑफ नेपोलियन वॉज सिमिलर, यानी कि जो नेपोलियन का रोल है दोनों ही यूरोपियन कंट्री में है, दोनों ही इटली में और जर्मनी में, दोनों का रोल सेम है, सेम चैलेंजेस है। देखो, ज्योग्राफिकल डिवीजन दोनों मेयर एक्सप्रेशन था, है ना, नाम के लिए एक्सप्रेशन है वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल एंटिटी भी नहीं है, पोप का होना, ऑस्ट्रिया वेना ऑर्डर दोनों कॉमन है कि नहीं है। 1815 के बाद जो वेना कांग्रेस लगा, है ना, मेटानिक सिस्टम लगा, दोनों के ऊपर लगा था, ये सिमिलर चीज़ है। बोथ लर्न लेसन फ्रॉम रिवोल्यूशन ऑफ 1848, जो रिवोल्यूशन हुआ था 1848 का फ्रांस से, उसने दोनों कंट्री को प्रभावित किया है, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस कैसे यूज़ करेगा फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। इटली भी किस तरह यूज़ कर रहा है, वो भी कैसे करता है, अजानता है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, चाहे बैटल ऑफ सडोवा सेडन बोल दो, कितना रिलेटेड है एक दूसरे से। रोल ऑफ वन बिग स्टेट पीटमंट और सरीना का कितना बड़ा रोल है तुम्हारे इटली में, और वहाँ जर्मनी में पर्शिया का कितना बड़ा रोल है। यस, रोल ऑफ मिनिस्टर्स, कैवियर का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे इटली में, और बिस्मार्क का क्या रोल है वहाँ पे। बोथ प्रोसेस एंडेड साइमल्टेनियसली, लगभग एट द सेम टाइम दोनों खत्म हुआ है, और शुरू भी लगभग एक साथ ही हुआ था दोनों का लगभग। नेशनलिज्म क्या कॉमन मोटिवेटिंग फोर्स है दोनों में, नेशनलिज्म बाद में लाया गया कि नहीं लाया गया, जैसे कि नॉर्दर्न जर्मनी को साउदर्न जर्मनी से मिलाना था जो कि फ्रांस के अंदर था, तो उसके लिए नेशनलिज्म का बुझ वो है ताकि वो पॉपुलर रिवोल्ट करे और नेपोलियन ठीक अगेंस्ट काम करे। हमने इटली में भी वही देखा, इटली में भी नेशनलिज्म का बात हुआ, प्लेबिसाइट किए तो सेंट्रल इटली को ले लिए पास। नेशनलिज्म बहुत कॉमन मोटिवेटिंग फोर्स है। अब दोनों नहीं, तुम्हारा क्या है, दोनों का ही जो रिजल्ट रहा है ये वेना सिस्टम को, वेना सिस्टम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ना, कि मेटानिक सिस्टम जो 1815 में क्रिएट किया गया, दोनों सक्सेसफुल हुआ था, दोनों ने चैलेंज कर दिया वेना ऑर्डर को। ये हुआ सिमिलरिटी। तो पूछेगा कि जर्मनी इसका सिमिलरिटी क्या, तो ये सब सिमिलरिटी है, रोल ऑफ नेपोलियन मिनिस्टर एंड सो। डिफरेंस क्या है कि इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस के रूप में अलग अलग डिफरेंसेस थे। जैसे एग्जांपल इटली देखो, अब इटली का ग्रेटर रोल पीडमेंट का था, सडीना का था, ये क्या था, उतना बड़ा स्टेट नहीं था जितना बड़ा स्टेट तुम्हारा पर्शिया था, इतना बड़ा कस्टम यूनियन भी प्रेजेंट तो नहीं थे वहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इटली का चैलेंजेस क्या था, कि ग्रेटर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इटली के लिए था, क्योंकि पीडमेंट और सडीना उतना बड़ा स्टेट, ये वीक स्टेट था, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए इटली को, अनलाइक जर्मनी तो पर्शिया है, उसको नहीं चाहिए, पर्शिया है पावरफुल है, उसको तो खाली न्यूट्रल चाहिए, कि बाकी सब न्यूट्रल है, हम देख लेंगे अपना, हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं, हमको किसी का असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन का बात करें तो इटली देखते हो लॉयल टू, हाँ अब देखो इटली इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन इटली में हुआ, मगर जर्मनी में उस लेवल पर नहीं रहा, जर्मनी में कई बड़े उतने बड़े फिलोसोफर का नाम नहीं आता जितना गरिबाल्डी और मजनी का आता है वहाँ पर। जब इटली में बात जर्मनी में बात होता था केवल बिस्मार्क का ही बात होता है, क्यों, बिस्मार्क ने बोल दिया था कि हमको आयरन एंड ब्लड पॉलिसी से लेना है कंट्री। अप्रोच टुवर्ड्स यूनिफिकेशन डिफरेंट था, इटली में क्या था, इटली फर्स्ट हुआ, स्टार्ट हुआ इन जर्मनी, अब इटली में क्या, इन केस ऑफ इटली वॉज द फर्स्ट, और जर्मनी में क्या, पर्शिया फर्स्ट था, पर्शिया लीड किया जर्मनी को। मेथड्स क्या था, लिबरल पार्लियामेंट मेथड्स था, प्लेबिसाइड था, मगर जर्मनी के केस में क्या है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, क्योंकि कैवियर तो पूरी तरीके से डेमोक्रेट था ना, डेमोक्रेसी में बिलीव करता था वो, तो डिफरेंट हो गया। रोल ऑफ किंग, इटली में रोल ऑफ किंग दिखा कि नहीं दिखा, एमोनियल जो ले गए थे थ्री वाले जो एमोनियल, वो कितना दिखाए थे, जब ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रेलिया से हमको हटाना था उसका क्या था, लॉरिशिया था ना, लंबाडी, लंबाडी तो हाँ, वेनेसिया और लंबाडी जो था उसमें जानते हो कि वेनेसिया जब लेने वाले थे तो क्या बोले इमैनुअल जो थ्री वाले जो थे विक्टर इमैनुअल थ्री बोले कि अभी रहने दो। तो ये इसका मतलब किंग का बहुत बड़ा रोल रहा है इटली में, मगर जर्मनी में उतना बड़ा रोल नहीं रहा क्योंकि जर्मनी में एक लौता आदमी आगे बढ़ा है बिस्मार्क है, बस उसको इजाज़त मिल गया ऊपर से विलियम वंस जो कि फोर का सक्सेसर था। इटली में क्या कैवियोर मजीनी गरिबाल्डी है और जर्मनी में अकेला बिस्मार्क, ये डिफरेंस था। इम्पैक्ट यूरोप पर पड़ा है, जानते हो कि इटली इम्पैक्ट ऑन यूरोप वॉज लेस एस वीक स्टेट है इटली। अब इटली का बनना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जर्मनी पे, अब यूरोप पे सॉरी, मगर जर्मनी का बनना बहुत बड़ा, क्यों, क्योंकि जो इम्पीरियलिस्ट का जो रेस फ्रांस को नीचे करते हुए इंग्लैंड के पीछे चला गया, तो दोनों में अंतर है कि यूरोप पे किस तरह असर पड़ा। इटली बनने से उस लेवल पे यूरोप पे असर नहीं पड़ा, मगर जर्मनी बनने से तो पड़ा है। तो क्वेश्चन से यहाँ पे देखो, सिविल सर्विस में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं अभी तक सिविल सर्विस में, दो द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली रन कंकरेंटली, साथ साथ चला है, बट दे फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम्स वर ऑल्सो डिफरेंट, अलग अलग प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम को टैकल करने का तौर तरीका भी डिफरेंट था, इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। द कंपेरिजन बिटवीन कैवियर एंड बिस्मार्क अचीवमेंट रिवील्स स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस, सही बात है, जो कंपेरिजन जब कैवियर और बिस्मार्क का करेंगे अचीवमेंट्स का तो लगेगा कि हाँ बहुत सारा पॉइंट रिजेंबल भी करता है, मिलता जुलता भी है। एंड लो स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी एंड नो लेस स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी, हाँ मैं डिसिमिलरिटी भी था, इलुसिडेट करो इसी चीज़ को। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड दैट ऑफ जर्मनी रन कंकरेंटली, चाहे इटली का बात हो चाहे जर्मनी को साथ साथ गया है, बट दे फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है वो सेम लिख दिया गया सॉरी। फोर्थ वन देखो, बिस्मार्क क्रिएटेड अ न्यू जर्मनी विद द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, कमेंट। सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है कोमल, 2016-17 का पूछा गया सवाल है ये। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बहुत अच्छे से लिख दोगे बिस्मार्क का क्या रहा है, क्या चतुर पॉलिसी फॉलो किया है इसमें। बिस्मार्क यूनाइटेड जर्मनी नॉट बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स एंड स्पीचेस बट बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, वही पूछ रहा, ये तो बोला ही था कि हम स्पीच से और वोटिंग से कभी सुलझा नहीं सकते देश का मुद्दा, वो भी जर्मनी जैसा स्टेट का। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट असिस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए बताओ कि बिस्मार्क का क्या रोल रहा है, कह सकते हैं। और क्वेश्चन देखो सेवेंथ नंबर, व्हाट डिटरमेंटल फैक्टर अलॉन्ग विद डिप्लोमेटिक सेव द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं साथ साथ डिप्लोमेटिक फैक्टर के साथ साथ जो जर्मनी को यूनिफाई करने में प्रयास किया है। एक तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के अंदर का बात है, पार्लियामेंट पे कोई भी विश्वास नहीं, वोट पे विश्वास नहीं, लिबरल को खदेड़ के फेंक देना, और उसका चतुरबाजी तीन न्यूट्रल करना डिप्लोमेटिक पॉलिसी। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज अकम्प्लिस्ड सोलली बाय बिस्मार्क, केवल बिस्मार्क ने किया, इस चीज़ को कमेंट करो क्रिटिकली, कहो केवल बिस्मार्क का बात नहीं है, नेपोलियन क्रिएट करके चले गए स्टार्ट करोगे। बिस्मार्क वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे, तो बोला कि बिस्मार्क खुद ही ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल था जर्मनी यूनिफिकेशन में, को उल्टा करना है क्योंकि जर्मनी भी बनना चाहता था उस लेवल का, मगर बिस्मार्क ने अपने तरीके से इसको यूनिफाई किया, तो नेगेटिव पॉइंट बता देना है तुमको, ये कितना बड़ा है। बिस्मार्क वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, क्योंकि पार्लियामेंट करना चाह रहा था अपने हिसाब से, उसको पूरी तरीके से रोक दिया बिस्मार्क ने अपने ढंग से किया। हाँ ऑस्ट्रिया भी, हाँ बिल्कुल 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 आ सकते हो, यहाँ पे तुमको अलग एंगल खेलना है। एग्जामिन द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्सेस ऑफ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी एंड आयरन इन द सक्सेस ऑफ प्रोसेस, यही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के बारे में तोड़ के बता दो। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, सही बात है, जोलेब्रिन का मेंशन होना चाहिए यहाँ। पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ जर्मनी वॉज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड मटेरियल एंड कल्चरल बेस, सही बात है, पॉलिटिकल यूनिटी हुआ तभी तो, क्या वॉज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड मटेरियल एंड कल्चरल बेस, सॉलिड मटेरियल और कल्चरल बेस हुआ तभी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो पाया, क्यों ना हो, कल्चरल बेस हुआ है, कल्चर पूरी तरीके से रिवाइव किया गया जर्मन का फिर से, कि जर्मन से कॉमन फिलोसोफर वाला भी सोशल रिफॉर्मर भी रोल प्ले किया है, नेपोलियन का रोल था कि सबको एक साथ करने का।
प्रायर टू 1848 जर्मन नेशनलिस्ट यूज टू टूवर्ड्स लिबरलिज्म. 1848 से पहले लिबरलिज्म पे बात करते थे. आफ्टर 1848 वो पूरी तरीके से मिलिटरिज्म पे बात करते हैं. वही बिस्मार्क. राइज ऑफ बिस्मार्क इन जर्मन पॉलिटिक्स वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिसेंटेजमेंट ऑफ नेशनलिज्म विथ लिबरलिज्म. नेशनलिज्म का लिबरलिज्म के साथ जो डिसेंटेजमेंट हुआ, यानी कि बात नहीं हो पा रहा था, जिस हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा उस हिसाब से नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट पावर लोग जो चाह रहे थे वोट, वो तो बोला बिस्मार्क के हो नहीं पाएगा. तो ये दोनों एंगल खेल देना है तुम लोग को, ठीक है. एंड सो तो इस तरह का सवाल पूछे गए. और भी क्वेश्चन देखो. 17 नंबर. नेपोलियन किंडल्ड नेशनल सेंटीमेंट्स बट जर्मन यूनिटी वॉज अचीव बाय. हाँ, नेशनल सेंटीमेंट्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, मगर फिर भी जर्मन यूनिटी के लिए काम किया बिस्मार्क ने. डिस्कस करो, बता दो बहुत अच्छे से. इट इज़ वन ऑफ द आयरनीज ऑफ हिस्ट्री दैट नेपोलियन वॉज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न जर्मनी. ये बहुत आयरनी बात है कि मॉडर्न जर्मनी का जो निर्माता वो यही है. बोल दो 39 स्टेट्स का जिक्र कर दो, 300 से क्या काम किया, कैसे ऑस्ट्रिया को हटाया वहाँ से, सभी जोड़ दो. फार फ्रॉम यूजिंग वार्स टू प्रमोट जर्मन यूनिफिकेशन, बिस्मार्क सॉट यूनिफिकेशन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द वार. अब ये बिस्मार्क के बारे में लिख दो. सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तौर तरीके से पूछा जा रहा है. द रोल ऑफ नेगेटिव फैक्टर सच एज कंपटीशन बिटवीन कैपिटलिस्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन वॉज अ इंपॉर्टेंट. सही बात है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ना कि जो कैपिटलिस्ट क्लास का जो कंपटीशन हो रहा था ब्रिटेन का और जर्मनी का, कहीं ना कहीं ये भी एक सॉलिड बेस तैयार किया है जर्मनी के लिए, क्योंकि वो चाहता था, इसलिए पैसा दिया जा रहा था पर्शिया को कि यस हम दे रहे हैं, तुम जाओ पॉलिटिकल यूनिफाई करो यार कंट्री को, इकोनॉमिक यूनिफाई तो ही पॉलिटिकल करो, हम अपने आप इंग्लैंड को कंपेयर कर देंगे. बात समझे. तो इसमें जोलोबिरिन का रोल दे दोगे. एंड ऑल्सो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे इटालियन यूनिफिकेशन को लेके 1852 में, बता दोगे. ट्रेस द कोर्स ऑफ मूवमेंट फॉर इटालियन यूनिफिकेशन. मजीनी का क्या रोल रहा वही बता दो. इसमें सो ऑन अलग अलग रूलर्स का, ठीक है, सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है. उसका 24 देखो. दिया भी बोला कि हमको इटली रोका हमको, अब हम नॉर्थ से नहीं, अब हम साउथ से करेंगे. तो बोला ही कैवियर ने ऐसा. लैंग्वेज ऑफ नैरो नेशनलिज्म एट फ्रैंकेट डिस्ट्रॉयड जर्मन रिवोल्यूशन एज द फाइटल. बोला कि भाई हाँ ये कंपेयर करना है बिल्कुल. मजनी कंसेप्शन ऑफ इटली देखो, पढ़ लेना इसको, ठीक है ना. ये सब चीज़ सब वही है, ठीक है, सब सेम क्वेश्चन है, बस ये कि तुमको हैंडल करना जानना हो. आंसर सबका सेम है, मैं कहाँ पे कितना लिखना है, वजन देना है, ये तुम्हारे पे निर्भर करता है. अच्छा क्वेश्चन इंटरप्रेटर अच्छा है, तुम लोग नॉलेज उतना ही है, बढ़िया से निकाल लेगा. खाली बड़ा बड़ा मोटा किताब पढ़ने से नहीं होगा कि नॉलेज बहुत हो गया, लिखने ही नहीं आ रहा तो हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा. जितना पढ़ा उसको ठीक से रिकॉन्सिलेट करके जो पूछा जा रहा है उसी पे लिख देगा तो हो जाएगा, विल गेट मार्क्स. बहुत चतुर होना होगा कलम के सेंस से तुम लोग को. ऑप्शनल, ठीक है. अब बात करते हैं बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी, सब क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है. 1870-90 देखो. 1 सितंबर 1870 सेडान हुआ बैटल, ठीक है. फ्रेंच किंग नेपोलियन वॉज कैप्चर्ड अलॉन्ग विथ 83,000 सोल्जर के साथ फ्रेंच जो किंग था उसको भी कैप्चर कर लिया. वही सेडान का जो बैटल था जानते हो, है ना, जो लास्ट का बैटल हुआ था. 18 जनवरी 1870 क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ फ्रैंकर्ट हुआ, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है. इस ट्रीटी के हिसाब से क्या है कि जर्मनी एक डोमिनेंट फोर्स की तरह उभरेगा यूरोप में, ठीक है. अब फ्रांस को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कि जो फ्रांस हार गया, ठीक है. बिस्मार्क जर्मन चांसलर बन गया, विलियम ये जर्मन किंग बन गया. ट्रीटी ऑफ फ्रैंकेट फ्रांस को पूरी तरीके से ह्यूमिलेट किया. हाँ, एंड ह्यूमिलेशन वॉज इन बिस्मार्क क्या है, यहाँ से बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे हम, ठीक है. एंड सो ऑन. हाँ बिल्कुल, टसल दिखा है हम लोग को, ठीक है. तो ये देखो, ये पॉइंट कोड वर्ड सब है, इसमें सब जानोगे, ये सब आगे जानोगे, ठीक है. ये सब कोड वर्ड है. तो देखो अब डायरेक्ट बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी निकालो, यहाँ से मैं एकदम एक एक चीज़ बता दूंगा. इंट्रोडक्शन देखो. बिस्मार्क जो थे वो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे और स्टेट्समैन भी थे, बोलने में बहुत अच्छे ऑरेटर थे. ये ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट रहे हैं अपने टाइम के, ठीक है. हैविंग यूनिफाइड जर्मनी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, अकेला आदमी जर्मनी को यूनिफाई कर दिया अकेला, और डिप्लोमेटिक स्किल भी यूज़ किए हैं, ठीक है. इन्होंने जर्मन का पावर मेंटेन करने के लिए. व्हेन जर्मनी इमर्ज एज अ यूनिफाइड नेशन 6 मेजर पावर्स इन यूरोप इंक्लूडिंग जर्मनी. जर्मनी के साथ और भी 6 पावर्स थे, कौन कौन थे देखो. ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ, रशिया इटली ब्रिटेन एंड फ्रांस. देखो कितना, 1 2 3 4 5 और एक जर्मनी,
6 पावर मेजर पावर। बिस्मार्क इंजॉय परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग द पावर्स, और ये इंजॉय करता था, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहा था तो उसका इंजॉयमेंट ये ले रहा था। ये जो 6 पावर जो 5 पावर जो देख रहे हो एक दूसरे से लड़ रहा है सब पता है, और दोनों का ही पावर लूट रहा है, दोनों ही इंजॉय कर रहा है, इसलिए इसने बुरे तरीके से उसको नहीं किया, क्रश नहीं किया था, जानते हो। ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, ये नेशनल इंटरेस्ट से भी अवेयर था कि हम ज़्यादा हार्श नहीं करेंगे, ज़्यादा हार्श उसी से करेंगे जिससे हमको मतलब नहीं है, जिससे मतलब है उसको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे विद द हेल्प ऑफ हिस नॉलेज बिस्मार्क क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ पीस टाइम मिलिट्री अलायंस बिटवीन द सेफ्टी वर्ल्ड जर्मन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये मिलिट्री अलायंस उसी हिसाब से किया ताकि जर्मन इंटरेस्ट वो कीप कर सके, मेंटेन कर सके, समझ में आ रहा है। नेचर एंड कैरेक्टर और एसेंशियल फीचर ऑफ बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर था उसका फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक था, बहुत प्रैक्टिकल था, ठीक है, कोई बड़ा अलग नहीं था, बहुत थ्योरी पे, ये पंचशील टाइप का नहीं था जो इंडिया का था, बहुत प्रैक्टिकल था ये रियल पॉलिटिक, यानी कि जो रियल सर्कमस्टेंसेस है यूरोप में उसको देखते हुए इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड हिज फॉरेन पॉलिसी मूव्स एज पर द डिमांड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जो जरूरत पड़े उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बदलता था। जर्मन नेशनल इंटरेस्ट गाइडेड बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी, जर्मन नेशनल इंटरेस्ट जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से बिस्मार्क का अपना पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी रहता था। ही यूज्ड टू मेंटेन जर्मन डोमिनेंस इन यूरोपियन इंटरनेशनल अफेयर्स, और अपने फॉरेन पॉलिसी से पूरा यूरोप में अपना दबदबा बना के रखना चाहता था, और रखा भी इसने। आइसोलेशन ऑफ फ्रांस, ये जरूरी था, बिस्मार्क का मेन पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी कि जर्मन फ्रांस को अलग थलग कर दो, इसलिए टिटी ऑफ वर्साइल जो हुआ था उसमें बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया गया था फ्रांस को। आफ्टर डिफीटिंग इन बैटल ऑफ सेडान पर्शिया वॉज बैडली ह्यूमिलेटेड बाई फ्रांस वॉज बैडली ह्यूमिलेटेड बाई बिस्मार्क। दिस ह्यूमिलेशन वॉज इंटेंशनल, ये इंटेंशनल था बिकॉज बिस्मार्क वॉन्टेड टू सेट अप फ्रेंच प्रेस्टीज, फ्रेंच प्रेस्टीज को पूरा खत्म कर देना चाहता था, क्या कोई फ्रांस भी है या नहीं, छोड़ो बर्बाद कर दो इसको, इतना बर्बाद करो कि लोगों रहे ही नहीं कि यूरोप में ये पावर भी बचा कि नहीं बचा। ये कंसिडर डेट, हाँ खत्म ही कर दिया था, डेट नेसेसरी टू इंश्योर हाईएस्ट प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी, और जरूरी है कि जर्मनी का हाईएस्ट प्रेस्टीज हो यूरोप में एटलीस्ट, नहीं तो कम से कम इंग्लैंड का बात तो हो हमारा। एन एक्सट्रीमली और ह्यूमिलेटिंग ये हार्श ट्रीटी फ्रैंकफर्ट का, वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते हैं, ये इम्पोज किया गया फ्रांस के ऊपर, फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव को ये साइन करवाया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। बिस्मार्क पूरा अवेयर था कि डेट अ ग्रेट नेशंस लाइक फ्रांस वॉन्ट बियर द पेन ऑफ ह्यूमिलेशन फॉर लॉन्ग, लंबा समय तक ये दर्द पचाने वाला नहीं है, और फ्रांस वो ट्राई टू बदला लेने की कोशिश करेगा, ये जानते थे इस चीज़ को भी। बिस्मार्क नो डैट फ्रांस अलोन वॉन्ट चैलेंज जर्मनी, मैं फ्रांस अकेले कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए फ्रांस को आइसोलेट कर दो, ठीक है। एंड देयर फॉर आइसोलेशन ऑफ फ्रांस बिकम द की स्टोन और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी, किसी तरह इसको अलग थलग करके रख दो। सिस्टम ऑफ पीस टाइम मिलिट्री अलायंस वॉज, पीस टाइम मिलिट्री अलायंस भी कर लिया, यानी कि मिलिट्री अलायंस के लिए कोई इधर से मान लो कि फ्रांस तैयार होकर आता है अटैक भी करता है तो अलायंस फ्रांस को ख़त्म कर देंगे। नंबर ऑफ कोएलिशन फॉर्म किया गया, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ भी था, रशिया के साथ भी था, इटली के साथ भी कर लिया इसने मेजर पावर के साथ, ताकि फ्रांस को आइसोलेट कर सके और जर्मन डोमिनेंस उस एरिया में रख सके। बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी स्टेटस को और मेंटेन कर रहा था, यानी कि जैसा है वैसे ही है रहने दो, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अभी जैसा है ठीक है, अभी हमको फ्रांस को ही आइसोलेट करना है। जर्मनी इमेज इमर्ज एज अ सेटिस्फाइड स्टेट, यानी कि पूरी तरीके से सेटिस्फाइड स्टेट हुआ फ्रॉम द बैटल ऑफ सेडान। सेडान से जानते हो किस तरह इसका अवधा भरा है 1870 और 71 का जो हुआ था। बिस्मार्क डजंट वॉन्ट एनी फर्दर टेरिटोरियल गेन इन यूरोप, और आप नहीं चाहता है अल्सा का लोरेन तो ले ही लिया फ्रांस का, अब नहीं चाहता है, जितना हो गया हो गया। ही वॉन्टेड टू मेंटेन स्टेटस को, जो मिला हम मिला ठीक है, अब हम नहीं, हमको एक्सपांड नहीं करना चाहते, एक्सपांड करोगे तो फिर मेजर पावर के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तुम्हारा, स्टेटस को मेंटेन करेगा सो डैट जर्मन डोमिनेशन यूरोप कुड कंटिन्यू, लंबा समय तक बना रहे एंड जर्मनी कुड फोकस ऑन इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ, और अंदर का जो व्यापार जो था उस पर ध्यान देंगे, जितना कमाएंगे उतना है, आप अपने आप वॉइस बढ़ेगा, ठीक है। तो बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी वॉज अपॉर्चुनिस्ट इन नेचर, पूरी तरीके से अपॉर्चुनिस्ट है, जहाँ फायदा मिला वहाँ घुस गए, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट प्रेशर एनी आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चल रहा था, जहाँ फायदा वहाँ, इज आइडियोलॉजी एंड आउटलुक चेंज विद द डिमांड ऑफ द टाइम, जैसे ही टाइम होगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा आइडियोलॉजी।
तो मिलिट्रीज्म वॉज डोमिनेंट इन बिस्मार्क, जो मिलिट्रीज्म यानी कि मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री से जो शासन करना ये डोमिनेंस था, क्योंकि वो तो लोकतंत्र में कोई बिलीव तो करता नहीं था, जानते हो। ही यूज द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर ऑफ जर्मनी टू कीप एवरीवन इन चेक विदाउट फाइटिंग अ वार, बिना वार किए हुए मिलिट्री का गजब मोबिलाइजेशन, मिलिट्री से ही डर जाएगा। बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज अप्रोच ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जो उसका जो मिलिट्रीलिज्म था, फॉरेन पॉलिसी था, वो दिखता था उसमें कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी से ही लेके चल रहा है कंट्री को। ही परस्यूड हिज ऑब्जेक्टिव रूथलेसली, और अपना काम के लिए रूथलेसली काम करता था, मार जो बीच में आए सबको उड़ाते रहो। बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी वॉज सीक्रेटिव इन नेचर बिकॉज मैनी ऑफ अलायंस क्रिएटेड बाय हिम वर नॉट अनाउंस पब्लिकली, बहुत सारा सीक्रेट भी था अंदर ही अंदर, बहुत सारे कंट्रीज का अलायंस भी किया था, वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है फ्रेंच इसमें, बिस्मार्क पॉलिसी इनहेरिटेड बाय बिस्मार्क बिकॉज सम ऑफ हिज अलायंस वर एम्ड एट ईच अदर, अब बोला कि बहुत सारा इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन भी है कि उस कंट्री के साथ अलायंस है जो कंट्री खुद उसको मारना चाह रहा था, तो बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन भी था मैं फिर भी वो लेके चल रहा था। बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी वॉज सक्सेसफुल इन इमीडिएट से, इमीडिएट से इन पर सक्सेसफुल रहा, मैं लॉन्गर टर्म में कहो तो जर्मनी के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ। क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, यदि हम फ्रांस को इतना ह्यूमिलेट करते नहीं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ही नहीं होता, है ना। तो बिस्मार्क का बिस्मार्किन सिस्टम ऑफ अलायंस, देखो बिस्मार्क ने कैसे अलायंस फॉर्म किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप मिलिट्री अलायंस वर फॉर्म, पहली बार पीस टाइम में भी मिलिट्री हम कर सकते हैं, यानी कि पीस टाइम कोई लड़ाई नहीं है तो उस समय भी मिलिट्री अलायंस कैसे, जैसे अभी तो होता है, अभी वार नहीं है फिर भी मालाबार एक्सरसाइज के लिए करता है कि नहीं करता, क्वाड के लिए फिर भी करता है कि नहीं करता है, तो पीस टाइम में भी कैसे मिलिट्री कोऑपरेशन हो सकता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो पहली बार वर्ल्ड में ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। बिस्मार्क देखो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ भी हाथ मिलाया, रशिया के साथ भी हाथ मिलाया और इटली के साथ भी हाथ मिलाया, ताकि हम क्या करें अपना नेशनल इंटरेस्ट को रखें सर्वोपरि रखें और फ्रांस को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दें। 1873 में देखो लीग ऑफ थ्री एम्परर क्रिएट किया, देखो 1873 में बस दो साल बाद, है ना, जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और रशिया था, हो तो गया, तो थ्री लीग नेशंस बना लिया है, तीन पावर एक साथ आ गए। दिस लीग कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब लंबा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि डिफरेंसेस था, रशिया और हंगरी कभी रहेगा नहीं, वो क्या वो पूरी तरीके से ओवर ओवर क्या है डेवलपमेंट इन ईस्टर्न यूरोप में जो हो रहा था, इसी की वजह से ईस्टर्न क्वेश्चंस एक आ गए कि ईस्टर्न क्वेश्चंस, क्योंकि देखो इस तरफ है तो रशिया का पेरिल होगा तो इधर से भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ऑस्ट्रिया और रशिया के बाद बीच में मतभेद होने का चांसेस रहेगा। देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुमको कि 1877 और 78 में ये क्या है ईस्टर्न क्वेश्चंस, यानी कि ईस्टर्न यानी कि यूरोप का ईस्टर्न पे सवाल उठ रहा है क्या है। देखो 1877 और 78 में क्या होगा, रशियन फॉट अ वार विद ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जान रहे हो, मुस्लिम एम्पायर, बहुत बराबर एम्पायर जिसका टर्की कॉन्स्टिट्यूनोबल तुम्हारा जो कैपिटल है याद करो, ठीक है, तो रशिया फाइट किया, ठीक है, एंड इम्पोज द ट्रीटी ऑफ सेनिस्टोफेंस ऑन ऑटोमन, ऑटोमन के ऊपर एक ट्रीटी इम्पोज किया क्योंकि ऑटोमन हार गया। द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी इंक्रीज रशियन इन्फ्लुएंस, और इसे क्या ईस्टर्न यूरोप पे रशिया का डोमिनेंस दिखना शुरू हुआ। देखो टर्की कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप में है कि नहीं है, देखो ठीक से इस्तानबुल देखोगे तो पूरा यूरोप में है तुम्हारा, बात समझे। दिस वॉज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया अगेंस्ट है, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ, रशिया भी एक साथ और जर्मनी भी एक साथ, अब ईस्टर्न सवाल उठ रहे हैं कि ईस्टर्न पे पूरा रशिया पेरिल हो रहा है क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से क्रश कर दिया है और इम्पोज ट्रीटी कर दिया, तो ईस्टर्न साइड आना चाहता है, तो फिर हंगरी और ऑस्ट्रिया के साथ बीच में मतभेद हो जाएगा, तो इसलिए ये लंबा अलायंस नहीं चल पाया उसका, समझ में आया, बिकॉज ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन। ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो अपोज ट्रीटी ऑफ सेनिस्टोफेंस, जो भी तुम्हारा ऑटोमन ऊपर का जो ट्रीटी लगा था उसे संतुष्ट नहीं था फ्रांस और तुम्हारा ब्रिटेन भी, ब्रिटेन तो बड़ा पावर था जान ही रहे। तो इन 1878 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया बर्लिन में बिस्मार्क के अंडर, और रशिया वॉज फोर्स टू सरेंडर ट्रीटी ऑफ सेनिस्टोफेंस टू बर्लिन कॉन्फ्रेंस, वो बोला कि नहीं आप ख़त्म करो ये सेनिस्टोफेंस जो आप लगाए ऑटोमन एम्पायर, ये ख़त्म करो, और सर एंड नंबर ऑफ इस प्रोविजन वो चेंज टू द डिस, और नंबर ऑफ प्रोविजन चेंज करना पड़ा जिससे तुम्हारा डिसएडवांटेज हुआ रशिया के लिए, रशिया को खफा होगा इससे। तो रशियन जो जार थे अलेक्जेंडर फेल्ट ह्यूमिलेटेड, इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा राय पावरफुल कंट्री, उसको ह्यूमिलेशन लगा और अलायंस बोला कि हम जर्मनी के साथ अलायंस हट गया। तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस का 1878 कुड नॉट फाइंड अ प्रोमिनेंट सोल्यूशन, ईस्टर्न क्वेश्चन पे कोई प्रोमिनेंट सोल्यूशन नहीं आया क्योंकि बार बार जो रशियन पेरिल हो रहा है इस तरफ, तो इस पर कोई मोहर नहीं लग पाया, कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया,
बिकॉज नाइदर रसिया नॉर ऑस्ट्रिया हंगरी ब्रिटेन और फ्रांस वेयर सेटिस्फाइड, कोई खुश नहीं, दिस सीट्स ऑफ कंट्री रिमेन इंटैक्ट। और जो बीज बो दिया कि ये दोनों अलग ब्लॉक हो गए, ये बीज आगे आगे निकलेगा, जाएगा 1914 तक कंटिन्यू होकर। तो यहीं से मतभेद हो गया ईस्टर्न क्वेश्चंस को लेकर। तो इन 1879 ड्यूअल अलायंस फॉर्म हुआ बिस्मार्क का तुम्हारा ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ, ड्यूअल यानी कि इधर। दिस अलायंस वाज केप्ट सीक्रेट इनिशियली, शुरू में रखा गया पर्दे के पीछे ही, और बाद में जाके तुम्हारा क्या 1887 में पब्लिक कर दिया कि हाँ ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ हमारा अलायंस है, पर्दे के पीछे था। इन 1881 रशियन जार अलेक्जेंडर डाइड, मर गए वहाँ के अलेक्जेंडर जो थे सेकेंड वाले जार, जो किंग थे, किंग ही था वहाँ पे, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय अलेक्जेंडर थ्री। आया ये न्यू जार डिड नॉट कैरी द बिटर मेमोरीज ऑफ बर्लिन कॉन्फ्रेंस, ये कैरी नहीं कर पाया, यानी कि जो पुराना ह्यूमिलेशन हुआ था उसका दर्द होगा, दुख होगा उसको। दिस अपॉर्चुनिटी वॉज यूज बाय द बिस्मार्क, बिस्मार्क ने यूज़ किया टू ब्रिंक क्लोज अब रशिया, क्योंकि अब दूसरा आ गया शासक, रशिया को क्लोज लाना चाहेगा। इन 1885 फिर लीग ऑफ थ्री नेशंस क्रिएट किया, और फिर से क्या है, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, फिर से रशिया को वापस लाया, समझे ना, फिर क्योंकि जार जो मर गया वो उसका नेक्स्ट जो किंग है उसको ले आया। 1882 ट्रिपल अलायंस वॉज क्रिएटेड, 1882 में ट्रिपल अलायंस हुआ, इसमें जर्मनी है फिर देखो 1882 में अब ऊपर तो कर लिया है उसने, 1881 में फिर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया, अब फिर से क्या करेगा, अभी फिर से ट्रिपल अलायंस अलग, यही ट्रिपल अलायंस बाद में वर्ल्ड वार के लिए जाएगा, यही सब आगे एक हथियार बनेगा। 1883 में ट्रिपल अलायंस बना, बिस्मार्क ने क्लियर किया, इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी या इटली है, अभी रशिया नहीं है, रशिया दूसरा अलायंस में। तो इटली वॉज अ स्मॉल पावर, इसमें इटली बहुत छोटा पावर जानते हो, बिस्मार्क वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट हैविंग अलायंस, और इटली से अलायंस तो कर लिया था, इसलिए कभी सीरियस नहीं लिया था, और जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इटली का क्या रोल रहा है, जानते हो उधर ब्रिटेन और फ्रांस के पास चला गया था, और फिर बाद में ह्यूमिलेट किया था उसको, हाँ मामा सुखनी वाला काम किया था ना जो बताए थे तुम लोग को, और सीरियस नहीं लिया, तो इटली भी ह्यूमिलेट फील किया, हालांकि इटली हार गया, मैं इटली पूरी तरीके से दूसरा ब्लॉक के लिए काम कर रहा था। इन 1881 इटली फेल्ट ह्यूमिलेटेड व्हेन फ्रांस कैप्चर तुनिसिया, 1881 में इटली को बहुत बुरा लगा, ठीक है 1881 में समझो, जब फ्रांस कैप्चर किया तुनिसिया को, इटली वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर इट, और तुनिसिया को पूरी तरीके से इटली पर ध्यान था, देखो इटली के बहुत करीब है ना तुनिसिया, वही जहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, लीबिया के ऊपर जो तुनिसिया, जो तुमको ब्राउन वो दिख रहा होगा वहाँ पे, है ना ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ऊपर में लीबिया के ऊपर, तो तुनिसिया पे ध्यान इटली का भी था कैप्चर करने का। मैं 1881 में क्या किया, जर्मनी ने कर दिया, सॉरी जर्मनी ने किया, फ्रांस ने किया गधा, फ्रांस इनफैक्ट फ्रांस वॉज सीक्रेटली असिस्टेड बाई बिस्मार्क। अब बता, बिस्मार्क ने हेल्प कर दिया था, बिस्मार्क ने फ्रांस को हेल्प कर दिया था, ठीक है बिस्मार्क ने फ्रांस को हेल्प कर दिया था, ठीक है। इनफैक्ट फ्रांस वॉज सीक्रेटली असिस्टेड बाई बिस्मार्क इन कैप्चरिंग तुनिसिया, बिकॉज बिस्मार्क बिलीव डैट फ्रेंच टेरिटोरी गेन आउटसाइड द यूरोप कुड हेल्प इन टेकिंग द वुंड्स ऑफ 1788। 1878 का जो दुख था इसको, किसको, जर्मन, इसको फ्रांस को, वो दुख कम हो जाएगा कि यदि बाहर टेरिटोरी मिल जाएगा, नहीं तो भाव ये विशाल पागल हो जाएगा, हम लोग को कैप्चर कर लेगा ये, तो थोड़ा सा दुख कम कर देते हैं, तुनिसिया को हेल्प कर दिया कि जाओ तुनिसिया को तुम लोग लो, इटली छोड़ो। तो अब इटली और इसके बीच में फिर दिक्कत हो जाएगा बिस्मार्क, इटली रिक्वेस्टेड बिस्मार्क, बिस्मार्क से रिक्वेस्ट किया कि अलायंस बनाइए, और 28 मई 1882 को ट्रिपल अलायंस बनाया गया, मध्य ट्रिपल अलायंस मार्क द कल्मिनेशन ऑफ बिस्मार्क जस्टिस सिस्टम एंड नाउ फ्रेंच आइसोलेशन वॉज कम्प्लीट। और यहाँ पे जब अलायंस बना तो यहाँ पे पूरी तरीके से अब फ्रांस को फिर से हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखो 1887 का लीग ऑफ थ्री नेशंस है वो कोलैप्स कर गया, और फिर से ईस्टर्न ऑन द सेम, जब ईस्टर्न क्वेश्चंस के सवाल उठ रहे हैं तो 1887 में ये तीन जो पावर था जहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया था फिर से कोलैप्स कर गया। हाँ नाउ बिस्मार्क एंटर इंटू अ सेपरेट अलायंस, अब रशिया के साथ सेपरेट अलायंस, इसको री इंश्योरेंस ट्रीटी कहेंगे, दिस अब अलग अलायंस, अब अलायंस नहीं है, अब सेपरेट अलायंस, समझे ना म्यूचुअल वाला चीज़ हो रहा है। दिस ट्रीटी वॉज अ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल के लिए रहा इनिशियली, बाद में इसको रिन्यू करते गए। बिस्मार्क जर्मन चांसलर 1890 तक रहे हैं, टिल दिस टाइम ही वॉज इन ऑफिस ऑफ जर्मन चांसलर, 1890 तक ये रहे हैं, और जर्मन एंड फ्रांस रिमेन एसोलेटेड इन यूरोप, यूरोप में पूरा फ्रांस को अलग ही रखा है, एंड जर्मन डोमिनेंस रिमेन इंटैक्ट जब तक ये रहे जर्मन चांसलर,
1890 तक, तब तक फ्रांस को इन्होंने अलग, ये अलग बात है कि टूनिशिया में थोड़ा हेल्प कर दिए थे उसको, बट दैट डजंट मीन कि उसको कैप्चर नहीं किया, उसको अलग भी रखे थे, बस हेल्प कर दिया। तो कोलैप्स ऑफ बिस्मार्कियन अलायंस एंड डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू आर्म्ड कॉर्प्स। बोला कैसे बिस्मार्क ने इतना बड़ा बड़ा अलायंस बनाया तो कैसे ये कोलैप्स किया, ठीक है। तो देखो 1888 में जर्मन किंग जो थे उस समय के, जो केजर विलियम वन मर गए और उसके बाद विलियम टू आए उसके सक्सेसर, ये जो किंग थे बहुत एम्बिशियस थे। बिस्मार्क का जो विजन था स्टेटस को, बोला कि हम ज्यों का त्यों रहेंगे और अपना इंटरनल मैटर पे काम करेंगे, ये अप्रिशिएट नहीं किया किंग ने यहाँ का, क्योंकि ये तो बिस्मार्क तो पूरा प्रैक्टिकल था ना, प्रैग्मेटिक था। ही बिलीव दैट जर्मनी शुड यूज हिज स्ट्रेंथ फॉर टेरिटोरियल एक्सपांशन, क्योंकि ये किंग को लगता था कि विलियम टू को लगता था कि जर्मनी इतना बड़ा पावरफुल कंट्री है उसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। तो किंग विलियम टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट जर्मनी मस्ट चूज वन आउट ऑफ, या तो आप ऑस्ट्रिया और हंगरी को चुनो या फिर रशिया को चुनो, दोनों अलग राइवल पावर है, या तो इसको चुनो या इसको चुनो, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल, दोनों को एक साथ रखना इम्पॉसिबल, दोनों ईस्टर्न क्वेश्चन पे सवाल उठेगा ही उठेगा, ठीक है। तो सिंस ऑस्ट्रिया वॉज जर्मन स्टेट, चूँकि जानते हो जर्मन स्टेट है, ऑस्ट्रिया का मिलता जुलता है भाषा उषा जर्मनी से, तो ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज ए नेशनल जर्मन एलाई, ये तो नेशनल नेचुरल है, नेचुरल एलाय हो गया। तो इन 1890 री इंश्योरेंस वॉज टू बी रीन्यूड, अब देखते हो हमने कहा कि 1890 तक तो रखा ही, 1890 के बाद रीन्यू होना था री इंश्योरेंस ट्रीटी वाला जो रशिया के साथ हुआ था। क्या हुआ देखो कि इन 1980 री इंश्योरेंस वॉज टू बी रीन्यूड बट किंग विलियम रिफ्यूज टू रीन्यू इट, किंग विलियम ने रिफ्यूज किया इस चीज़ को। बिस्मार्क्स अवेयर था ट्रीटी से, वॉट किंग डिड नॉट रीन्यू इट, बिस्मार्क रिजाइन फ्रॉम द, अब बिस्मार्क गुस्से से निकल गया वहाँ से, क्योंकि अभी किंग का भी रोल है, निकल गया और अब उन्होंने काम कर ही दिया था। तो एग्जिट ऑफ बिस्मार्क, जैसे एग्जिट हुआ पूरी तरीके से अलायंस कोलैप्स कर गया, बिकॉज इट वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन एल्स टू मैनेज सक्सेसफुली, और इस दोनों पावर को कैसे मैनेज कर रखोगे, वो बिस्मार्क छोड़ के कोई दूसरा कोई नहीं जानता, इतना लंबा साल से एक्सपीरियंस करके रहा है। 1894 में क्या हुआ कि फ्रेंको रशियन अलायंस आ गया, आप बताओ, जिसको एंटोन तो बोलते हैं, जानते हो, हेलो हाँ एंटोन तो आ गया। देखो तो अब फ्रांस के साथ रशिया का अलायंस हो गया। 1904 में क्या हुआ कि ब्रिटेन एंड फ्रांस टुगेदर आ गया, एंटोन कॉर्डियल बना दिया और एंटोन में और ज़्यादा आ रहा है। 1907 में रशिया ज्वाइंड, रशिया बढ़िया से एंटोन कॉर्डियल बना और ट्रिपल एंटोन बन गया, तो हो गया बात ही ख़त्म हो गया, रशिया फ्रांस और ब्रिटेन एक साइड हो गया, तो वर्ल्ड वार तैयार हो गया, वर्ल्ड वार के लिए भूमिका तैयार हो गया वहाँ से। इन दिस वे यूरोप गॉट डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली हॉस्टाइल आर्म कैंप्स, दोनों झगड़ा कर रहा है, आर्म्स कैंप्स का लड़ाई हो रहा है, ठीक है भाई। 1997 दोनों ही पावरफुल, सब दो बार पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया एंड क्लाउड्स ऑफ मैसिव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड गेटिंग ओवर द हॉरिजन, अब देखना शुरू हो गया था दोनों में क्या हो रहा है, पूरी तरीके से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कन्विंस्ड ऑन 20 जुलाई 1914 इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वार, यहाँ से वर्ल्ड वार खत्म कर दिया। यस वी हैव कंप्लीटेड वेरी इजीली, मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। टुमारो विल ट्राई टू सी न्यू चैप्टर, मजा आ जाएगा कल करने में, वर्ल्ड वार समझ में आ जाएगा, बट ट्रिपल एंटेंट का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, बिस्मार्क का कितना बड़ा रोल है ये टूटने में, ये तुम लोग को जानकारी होना चाहिए इसका।